लिए जो बेटी के पिता को मजबूर करते हैं और जो बेटी के दहेज से ही धनवान बनना चाहते हैं, बेटियों की हत्या के जिम्मेदार भी हैं। जिस भारत को विश्व गुरु कहा गया है, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, उस भारत में रहने वाला एक पिता अपने बेटे को जानवर की तरह बेचकर दहेज मांग रहा है। धिक्कार है ऐसे पिताओं के लिए। कभी समय मिले तो विवाह पद्धति खोलकर कन्यादान का संकल्प पढ़ना। उसमें लिखा है अमुक नामनीय कन्याम लक्ष्मी रूपा गोत्राय अमुक नामने वराय विष्णु रूपाय पत्नित्वेन अहम संप्रददे। संकल्प करता है तो कहता है मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूप कन्या को विष्णु स्वरूप वर के लिए पत्नी के रूप में समर्पित करता हूँ। और जब माता लक्ष्मी ही हमारे घर बहू के बहू बनकर आ रही हैं, तो महाराज दहेज मांगने की क्या आवश्यकता। जब माता लक्ष्मी खुद हमारे घर आ रही हैं, तो फिर माता लक्ष्मी तो धन से परिपूर्ण है। अगर वह प्रसन्न रहेंगी तो आपके घर में सुख समृद्धि कोई कमी नहीं रहेगी। महाराज दहेज मांगने की क्या आवश्यकता। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर बेटी गुणवान संस्कारी मिल जाए तो बिना धन दिए ही तुमको धनवान कर देगी, तुमको प्रसन्न कर देगी। बेटी बहू ही कारहीन रही तो चाहे जितना भी धन दे दे तुमको बर्बाद कर देगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो हनुमंत लाल की जय।